क्लास में क्या बताए थे? हाँ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है. इसमें बताए थे कि एक पैरेलल वेक्टर, दो कंडीशन बताए थे कि एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा और एक पैरेलल वेक्टर दिया हुआ रहेगा. इट मींस ए में ए पॉइंट एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्या होगा, लाइन का. सेकंड क्या होगा, टू पॉइंट्स, ठीक है, गिवन रहेंगे. दोनों कंडीशन में बता दिए थे, दो फॉर्म होते हैं इसका इक्वेशन. ये वेक्टर फॉर्म जाएगा और सेकंड क्या होगा जी, कार्टेशियन फॉर्म. ये दोनों के लिए आता है ना? यस सर. इसमें डायरेक्शन रेशियो में ए बी सी पॉइंट में अल्फा बीटा गामा, तो इसके केस में लिखते थे एक्स माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई ए, वाई माइनस बीटा डिवाइडेड बाई बी, जेड माइनस गामा डिवाइडेड बाई सी. अब ये क्यों करते थे कि दो वेक्टर लिखते थे, ठीक है. एक वेक्टर हो गया ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप. देखो ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है तो इस वेक्टर को लिख सकते हो. सेकंड एक वेरिएबल पॉइंट एज्यूम करके अल्फा बीटा और ये गामा हो गया, वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई जेड हो गया. तो इससे एक वेक्टर आएगा एक्स माइनस अल्फा आई कैप प्लस वाई माइनस बीटा जे कैप प्लस जेड माइनस गामा के कैप. अब देखो ये मैग्नीट्यूड दोनों क्या है, दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं या कोइंसिडेंट वेक्टर एक ही लाइन पे हैं, तो क्या होगा जो टू वेक्टर्स अगर सेम क्या बोल सकते हैं, इस तरह से इसको एज्यूम कर सकते हो. एग्जांपल में लोगे तो सपोज आर वन जो हो गया वो टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस के कैप. सेकेंड एक आर टू वेक्टर तो क्या लिख सकते हैं, फोर आई कैप प्लस सिक्स जे कैप माइनस क्या आ जाएगा, टू के कैप. तो दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर्स हैं. तो पैरेलल वेक्टर्स में एक क्या आएगा, लैम्डा लिखते हैं ना, ए आर वेक्टर इज इक्वल टू, पैरेलल वेक्टर लिखना है तो आर वेक्टर इज इक्वल टू या ए वेक्टर इज इक्वल टू, ध्यान देना दो पैरेलल वेक्टर हैं तो ए इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर लिखते हैं. तो अगर रेशियो दोनों का लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी आएगा लैम्डा. यहाँ पे भी दोनों का रेशियो लोगे, दोनों क्या है पैरेलल वेक्टर है, दोनों का रेशियो लोगे तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आएंगे. देखो टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस के कैप, यहाँ आर वन वेक्टर वाई आर टू वेक्टर, दिस इज इक्वल टू फोर आई कैप प्लस सिक्स जे कैप माइनस टू के कैप. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वन बाई टू आ जाएगा. आया, एक स्केलर क्वांटिटी आ गया ना, तो इसीलिए उसका रेशियो लेते हैं डायरेक्टली. तो ये हो जाता है कार्टेशियन फॉर्म में. अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू टू पॉइंट से फिर लिख सकते हो. टू पॉइंट से लिखने के लिए देखो वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा, बस उसी को रिपीट कर रहा हूं. R R मींस क्या होना है, ये समझना है कि ये लिखा हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप. ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू पैरेलल वेक्टर. पैरेलल वेक्टर क्या आ जाएगा, जिसका डायरेक्शन रेशियो गिवन है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप. ये हो गया वेक्टर फॉर्म. टू पॉइंट्स गिवन रहेंगे तो टू पॉइंट्स गिवन रहेंगे एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू, टू पॉइंट्स, ठीक है. एक मिनट, हेलो, हाँ बोलो, हाँ क्लास ले रहा हूँ, बोलो, हाँ हेलो, हाँ. यहाँ पे क्या लिखेंगे, x माइनस एक्स वन वाई, एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई
जेड टू माइनस जेड वन, ऐसा नहीं कि इसमें एक्स टू माइनस एक्स वन लिखे हैं, यहाँ पे वाई वन माइनस वाई टू लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेम मॉडल में पॉइंट फिक्स करना है कि किसको एक्स वन वाई वन जेड वन बोल रहे हैं और किस पॉइंट को एक्स टू वाई टू जेड टू बोल रहे हैं, मिक्स नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक्स वन वाई वन जेड वन लोगे तो वो फिक्स कर लेना, और एक्स टू वाई टू जेड टू भी ले सकते हो। ये डायरेक्शन रेशियो वेक्टर का आ जाएगा, ये बेसिकली क्या हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, और ये पॉइंट्स आ गया, ठीक है। यस और नो, इक्वेशन ऑफ लाइन पॉइंट थ्री है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर फॉर्म वाई डायरेक्शन रेशियो ए बी सी एंड पी क्यू आर, तो क्या हो जाएगा, देखो कितना सिंपल हो जाएगा, परपेंडिकुलर होना चाहिए दोनों जो फॉर्म होंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर वन जो वेक्टर आएगा वो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, आर टू जो वेक्टर आएगा वो पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप। अब बोल रहा है कि ये दोनों के क्या होना चाहिए, लाइन का इक्वेशन परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो एक परपेंडिकुलर वेक्टर, तो क्या करेंगे, फाइंड डायरेक्शन रेशियो परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर। तो कैसे फाइंड करते हैं जी, बताओ क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट, एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो क्या करेंगे, आर वन क्रॉस आर टू, डायरेक्शन रेशियो लिखना है तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने का नीड नहीं है, आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पे ए बी सी पी क्यू आर, सपोज इसको बोल दिए नेमिंग दे दो, ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप ए वन बी वन सी वन, इससे अच्छा होगा, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई ए वन इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा डिवाइडेड बाई ए टू जेड माइनस गामा डिवाइडेड बाई ए थ्री। यस और नो, पॉइंट दिया हुआ अल्फा बीटा, तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप, ये पोजीशन वेक्टर हो गया, प्लस लैम्डा इनटू क्या हो जाएगा, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, ये वेक्टर फॉर्म। यस और नो, यस सर, यस सर। एक क्वेश्चन देख लो, इस पे समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट वन कॉमा जीरो कॉमा माइनस वन एंड परपेंडिकुलर टू
द स्ट्रेट लाइन, यहां पे स्ट्रेट लाइन दे दिया है, वो समझना है, स्ट्रेट लाइंस आर वन, आर वन नहीं आर ही है, स्ट्रेट लाइन डिफरेंट वो तो हो जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा इंटू टू आई कैप प्लस सेवन जे कैप माइनस थ्री के कैप एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू थ्री आई कैप माइनस जे कैप प्लस थ्री के कैप प्लस म्यू इंटू क्या हो जाएगा टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस फाइव के कैप। बताओ क्लास ले रहे बताओ बताइए क्या होगा सर, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। किस दोनों का सर? दोनों स्ट्रेट लाइन वेक्टर्स का। हाँ, कौन से दो वेक्टर्स दिए हुए हैं? सर टू आई कैप सेवन जे कैप माइनस थ्री के कैप। एग्जैक्टली, टू आई कैप प्लस सेवन जे कैप माइनस थ्री के कैप, आर टू जो वेक्टर होगा बेसिकली पैरेलल इसी के होता है ना, तो टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस फाइव के कैप, दोनों का क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, और ये पॉइंट दिया हुआ है, तो आर वन क्रॉस आर टू दिस इज इक्वल टू आई जे के, ठीक है, ये पॉइंट है टू सेवन माइनस थ्री टू माइनस टू फाइव दिस इज इक्वल टू, बताओ कितना आ जाएगा फोर्टी वन आई कैफ एंड सिक्सटीन सिक्सटीन जे कैफ एंड माइनस एटीन के कैफ, यही आ रहा है क्या? तो रिक्वायर्ड लाइन, अब देखो कुछ लिखा हुआ मेंशन नहीं है, तो कार्टेशियन फॉर्म भी कर सकते हो और क्या फाइंड आउट कर सकते हो, तो ये इसको सिंपली हाँ ये डिवाइड नहीं होगा, रिक्वायर्ड जो लाइन हो जाएगा वो एक्स माइनस क्या आ जाएगा जी, पॉइंट्स क्या दिए हुए थे बताओ, पॉइंट्स था 10 माइनस 1 ओके सर, वहां 41 नहीं 29 होगा, 7 × 5 35 ओके ओके 35, अच्छा दोनों नेगेटिव में, कितना आ गया 29, गुड सॉरी हाँ, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा 10, तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 29 इज इक्वल टू y माइनस 0 डिवाइडेड बाई माइनस 16 इज इक्वल टू z प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 18। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी लिख सकता है कि x माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 29 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y बाई 16 इज इक्वल टू z प्लस 1 बाई 18 होगा कि नहीं, चेंज क्या किए हैं दोनों में से कोई भी लिख सकता है, जैसे देखो डायरेक्शन रेशियो है तो 29 हो गया 16 हो गया माइनस 18, तो ये डायरेक्शन रेशियो है, अब इसी को लिख सकते हैं माइनस 16 माइनस 29 देन 16 देन 18, ये भी डायरेक्शन रेशियो है सेम, तो वही डिवाइड कर दिया है ना, यस और नो? यस सर। चलो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, बोलो स्नेहा वैष्णवी अनु no,
यहां तक समझ में आ गया इक्वेशन कैसे लिखना है जो स्ट्रेट लाइन का। अब देखो नोट में इसको लिख लेना, दो प्लेन्स है बेसिकली, इस तरह से सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ क्या देगा, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहां ध्यान देना, इस तरह से रहेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड प्लस एस। ठीक है, इस तरह से फॉर्म में रहेंगे, इसको सिमेट्रिक फॉर्म बोला जाता है, सिमेट्रिक फॉर्म। यहां लिख लो, सर ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है ना? हाँ, दोनों क्या है, अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इज इक्वल टू जीरो, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड प्लस ओके डी वन, और यहाँ डी टू लिख लो, एक मिनट, डी वन लिख दिया तो डी टू ओके डी टू इज इक्वल टू जीरो, ये भी क्या है इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब जो दोनों के लाइन होंगे वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा, जो जो दोनों का प्लेन का इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा, लाइन होंगे। अगर वो इंटरसेक्टिंग प्लेन है तब क्या है, दोनों इंटरसेक्टिंग प्लेन है तो एज्यूम करके देखो, एक एक वाई जेड प्लेन ले लो किसी रूम का ही, देखो थिकनेस क्या होता है प्लेन का, बहुत थिकनेस नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो एक क्या करना है कि रूम में ही कंसीडर करना है, और एक वाई जेड प्लेन और एक एक्स जेड प्लेन ले लेना है, तो इनफाइनाइट लेंथ का होगा, तो देखोगे कि अगर जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक लाइन आएंगे, फॉर्म होगा। यस और नो, ट्राई करो समझने का, कोई इनफाइनाइट की तरह मींस प्लेन को इस तरह से कंसीडर करना है कि वो इनवर्ड्स की तरह हो या एक डाउनवर्ड्स की तरह हो, तो जो इंटरसेक्शन दो प्लेन का होगा परपेंडिकुलर प्लेन का, तो एक देखोगे कि एक लाइन फॉर्म हो रहे हैं, हो रहा है? यस सर। ये क्या होता है इंटरसेक्शन ऑफ, समझ पा रहे हो, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स जो होता है वो लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन बेसिकली। यस और नो, समझ पा रहे हो? अब इस तरह के दिया हुआ रहेगा तो बोलेगा कि फाइंड, एक में फाइंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, जो इंटरसेक्ट कर रहा है उसका क्या करना है, डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना। तो बहुत सिंपल है, सेकंड में बोलेगा बी में, दोनों कॉन्सेप्ट ही है, टेकिंग ए पॉइंट ऑन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो जनरली देखो इसमें क्या करना है, सेकंड वाले को बता देता हूं, इसको फाइंड करने के लिए देखो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन हो सकता है कि टेकिंग अगर रिक्वायर्ड हुआ, जहां पे फोर इक्वेशंस रहेंगे और जेड इज इक्वल टू, हो सकता है सारे इक्वेशंस में जेड इज इक्वल टू जीरो ले ले, इवन वाई इज इक्वल टू जीरो ले सकता है और एक्स इज इक्वल टू जीरो, लेट जेड इज इक्वल टू जीरो फाइंड एक्स एंड वाई क्रॉसपॉन्डिंग टू किसके, जेड इज इक्वल टू जीरो, हो सकता है कि जेड इज इक्वल टू वन मान ले उसके बाद एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करे, जेड इज इक्वल टू थ्री भी मान ले और जेड इज इक्वल टू के, इस तरह से एज्यूम कर लो जेड इज इक्वल टू के, देन क्या करना है फाइंड करना है एक्स एंड वाई, फाइंड किसमें जो इक्वेशन दिए हुए रहेंगे उसमें पुट करके जेड का वैल्यू के रखना है, मीन्स किसमें जी
जेड का वैल्यू एक बार क्या करोगे, यहाँ पे के रख देना है, यहाँ पे भी के रख देना है, दो डिफरेंट क्या होंगे, यहाँ पे के रखोगे, यहाँ पे भी के रखोगे, तो क्या होगा, टू इक्वेशन टू वेरिएबल, तो एक्स एंड वाई इन फॉर्म ऑफ क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। के का वैल्यू अगर थ्री लोगे तो क्या होगा, एक स्पेसिफिक एक्स एंड वाई का वैल्यू दे देगा, के का वैल्यू जीरो ले लोगे तो एक्स एंड वाई का वैल्यू आ जाएगा। हो सकता है कि वाई का वैल्यू थ्री ले ले तो एक्स एंड जेड का उसके क्रॉसपॉन्डिंग फाइंड आउट कर सकते हो, एक्स का वैल्यू माइनस वन ले ले तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग एक्स इज इक्वल टू माइनस वन के क्रॉसपॉन्डिंग क्या हो जाएगा, वाई एंड जेड का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो डिपेंड करेगा, अगर ऑप्शन में एक्स को फिक्स किया है, वो देखना पड़ेगा कि इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, तो ऑप्शन अगर फिक्स किया है कि एक्स इज इक्वल टू वन है सारे में, मीन्स ऑप्शन इस तरह से एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई ए वाई माइनस यहाँ पे रहेगा, इसके क्रॉसपॉन्डिंग फोर ऑप्शन जो होंगे एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन बाई ए, एक्स माइनस वन बाई ए, एक्स माइनस वन बाई ए, तो इट मीन्स दिख जाएगा कि पॉइंट जो फिक्स किया है वो क्या किया है, वन लिया है एक्स का वैल्यू, उसके क्रॉसपॉन्डिंग वाई एंड जेड का वैल्यू क्या करना है, कैलकुलेट करना है। समझ पा रहे हो, ये सुनो, जनरली ऑप्शन में ऐसे करेगा, ठीक है, बट इन जनरल क्या किया जाता है, जेड इज इक्वल टू जीरो लेकर के सॉल्व कर दिया जाता है। हो सकता है जेड इज इक्वल टू के लेकर के सॉल्व कर दिया जाएगा वो एक्स एंड वाई का वैल्यू। चलो, तो टेकिंग जेड इज इक्वल टू जीरो फाइंड एक्स एंड वाई, ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा, यहाँ से ये जो वैल्यू देंगे वो पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट दे देगा, यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये भी वैल्यू क्या दे देगा, एक पॉइंट दे देगा, दोनों में से कोई भी कंडीशन, इवन जेड जेड को लिए तो वाई को भी ले सकते हैं, एक्स को भी ले सकते हैं, राइट। अब देखो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन कैसे फाइंड करेंगे, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इज इक्वल टू जीरो है, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड प्लस डी टू इज इक्वल टू जीरो है, तो क्या करेंगे, अब देखना कि दोनों के जो परपेंडिकुलर आएंगे डायरेक्शन रेशियो वही क्या हो जाएगा, लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, परपेंडिकुलर ऑफ बोथ, हाँ अगर ये प्लेन है तो डायरेक्शन रेशियो इस तरह से समझना है, यहाँ पे अभी अभी यही बता देता हूँ, ज्यादा दिमाग नहीं लगना, ये ध्यान रखना है डायरेक्शन, वहां पे समझाऊंगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन इज गिवन बाय आई जे के, यहाँ पे ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, एक वेक्टर बनेंगे इससे, देखो एक वेक्टर यहाँ से फॉर्म होंगे, इस वाले से बनेगा आर वन वेक्टर, लिख लो ए आई कैप प्लस बी जे कैप और प्लस सी के कैप, यहाँ से एक आर टू वेक्टर बनेगा, पी आई कैप कोफिशियंट ऑफ एक्स वाले कोफिशियंट ऑफ वाई का ले लेंगे जे कैप और प्लस आर के कैप, देन आर वन क्रॉस आर टू, दोनों जो डायरेक्शन रेशियो आएंगे उसके क्या हो जाएगा, लाइन का परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन आ गया, अब इक्वेशन इसको सपोज इस तरह से ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा, देन इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हो जाएंगे एक्स माइनस अल्फा वाई ए वन वाई माइनस बीटा वाई ए टू जेड माइनस गामा वाई ए थ्री, ये सुनो, समझ में आया कुछ कहानी इसका, yes, sir. बताओ तो ओके, देखते हैं कितना स्टोरी समझ में आया, एक क्वेश्चन लिखो, बोलो जी, सिर्फ एक ही लोग जवाब दिया, बताइएगा, हेलो, फाइंड फाइंड
the equation of line, equation of line x plus y minus z minus 3 is equal to 0 is equal to 2x plus 3y plus z plus 4 in symmetric form. अच्छा, इससे ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है, सिमेट्रिक फॉर्म जो आते हैं ना, सॉरी सिमेट्रिक फॉर्म जो होता है वो x माइनस अल्फा वाई ए, वाई माइनस बीटा वाई बी, जेड माइनस गामा वाई सी, ये सिमेट्रिक फॉर्म होता है। ठीक है, ये इक्वेशन इस तरह से क्या किया जाता है, इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है स्ट्रेट लाइन का, यहां से फाइंड करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन x plus y minus z minus 3 is equal to 0 is equal to 2x plus 3y plus, ये 2 नहीं है, z है, plus 4 in symmetric form. फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइंस ऑफ लाइन। ठीक है, फाइंड करिए तो बोलो। यहां पे क्या करना, एज्यूम कर लेना जेड इज इक्वल टू के, सॉल्यूशन जब फाइंड करना तो जेड इज इक्वल टू, पॉइंट जब फाइंड करना रहेगा जेड इज इक्वल टू लैम्डा ले लेना और के ले लेना। चलो बताओ क्या होगा, जेड इज इक्वल टू लैम्डा देन पॉइंट फाइंड आउट करना है। किस तरह से फाइंड करोगे, वो डायरेक्शन रेशियो तो तुमको फाइंड करना है, ये वाले बता देता हूं। तो x प्लस सर डायरेक्शन रेशियो 4 माइनस 3 और 1 होगा, 4 माइनस 3 1, एग्जैक्टली गुड, सही है। यहां पे लिखोगे x प्लस y माइनस z माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जेड इज इक्वल टू लैम्डा ले लो, तो क्या लिखेंगे दोनों इक्वेशन में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस लैम्डा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस लैम्डा माइनस 4। Yes or no? अब फाइंड करना है तो फर्स्ट इक्वेशन ये वन हो गया और ये वन इंटू क्या करेंगे, थ्री कर लें, टू इंटू वन तो क्या हो जाएगा, वन इंटू थ्री या माइनस टू इंटू वन, क्या लिखेंगे, थ्री एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू नाइन प्लस थ्री लैम्डा, 2x plus 3y minus lambda minus 4, subtract कर रहे हैं, plus हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, plus हो जाएगा, cancel out हो जाएगा, x is equal to कितना value आएगा जी, 13 plus 4 lambda, ठीक है, ओके, यस सर सही है, ठीक है, देन नेक्स्ट वन y करोगे, ठीक ना, ओके, y का वैल्यू क्या आएगा,
सर -10 -3 लैम्डा। हाँ ठीक है, -10 वाई का वैल्यू -10 -3 लैम्डा -3 लैम्डा। ओके देन इक्वेशन जो हो जाएगा, सॉरी यहां से क्या लिखोगे, एक्स माइनस 13 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू, अच्छा वाई प्लस 10 डिवाइडेड बाई -3 इज इक्वल टू जेड, जेड इज इक्वल टू क्या बोले थे, लैम्डा मानने के लिए, यही ना जी, लैम्डा। तो जेड जेड माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू लैम्डा। अब ये क्या दे देगा, इक्वेशन ऑफ लाइन दे देगा, यहां से इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड का जो पॉइंट आएगा वो हो जाएगा 13 माइनस 10 और 0, यस और नो, यस सर, ठीक है, इस तरह से 2 लैम्डा 3 लैम्डा इस तरह से ज़ूम करके बना सकते हो, हो जाएगा, यस सर। नेक्स्ट देखो, अगर पॉइंट रहता यहाँ पे सारे ऑप्शन में, वहां पे मिस्टेक हुआ था, अगर 1 रहता तो क्या लिखते, जेड माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्डा, इस तरह से पुट कर सकता था, ठीक है, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, सर ऑप्शन दिए ही नहीं थे, अच्छा हाँ इसमें नहीं है, वो बुकलेट में मिल जाएगा, तो ये समझ में आया। डायरेक्शन रेशियो अगर फाइंड करना रहेगा तो कैसे फाइंड करोगे, आई जे के और उसके कोफिशिएंट लिख दोगे, कौन सा हो गया, कोफिशिएंट में 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1, सेकेंड का क्या है जी, 2 3 1 2 3 1, डायरेक्टली आ जाएगा 2 3 1, ठीक है, अगर सॉल्व यहां से डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर लेना और जेड इज इक्वल टू 0 पुट कर देना, जेड का वैल्यू लैम्डा लिया है ना, जेड का वैल्यू 0 पुट कर देना तो आ जाएगा डायरेक्टली इक्वेशन लिखोगे, जैसे एक्स प्लस वाई एंड माइनस जेड, माइनस कितना है जी, एक मिनट सॉरी, -3 तो -3 इज इक्वल टू 0, लैम्डा अगर पुट करोगे तो क्या होगा, डायरेक्टली वहां से इक्वेशन आ जाएंगे, इस तरह से जैसे लिखा ना, लैम्डा पुट करोगे तो डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन आ जाएगा, वहां हो सकता है वाई इज इक्वल टू लैम्डा भी पुट कर सकते हो, जेड इज सर ये प्लेन का इंटरसेक्शन का स्ट्रेट लाइन है ना, हाँ एग्जैक्टली प्लेन का इंटरसेक्शन का वो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो जब लैम्डा पुट करोगे तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दे देगा डायरेक्टली वहां से, लेकिन वहां पे लैम्डा इस तरह से आना चाहिए, जो भी आएंगे यहां से क्या करोगे, जेड इज इक्वल टू लैम्डा पुट किए, इस वाले वैल्यू को इधर सेंड करेंगे, इस वाले वैल्यू को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड सेंड करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जेड इज इक्वल टू लैम्डा पुट किया है तो एक्स माइनस 13 बाई 4 इज इक्वल टू लैम्डा यहाँ से आएगा, अगर लैम्डा फाइंड करोगे तो, यहाँ से लैम्डा फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, तीनों को इक्वेट कर लो, अरे तीनों में क्या हो रहा है लैम्डा, तो तीनों को इक्वेट करोगे तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अब जेड इज इक्वल टू अगर डायरेक्टली रहा इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए, तो यहाँ से डायरेक्शन रेशियो जेड इज इक्वल टू 0 जेड इज इक्वल टू 1 इस तरह से पुट कर सकते हो, जब जेड इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y प्लस जेड और क्या है जी माइनस 4 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, जेड 0 पुट करोगे तो x प्लस y इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 4, यहां से क्या करोगे, x का वैल्यू y का वैल्यू फाइंड कर लो और वो इक्वेशन क्या लिख सकते हो, x अगर ये अल्फा आ गया और ये बीटा दे दिया आंसर फाइंड, x माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय डायरेक्शन रेशियो यहां से फाइंड कर लेंगे, a1 क्या आया था वैल्यू 4 माइनस 3 1 ना, यस सर 4 माइनस 3 1,
इसको सॉल्व किए ये आ गया, तो अब लिख लो 4 इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा डिवाइडेड बाई माइनस 3 इज इक्वल टू जेड माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1, ये इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन। ठीक है, हो सकता है जेड इज इक्वल टू 1 भी पुट किया हुआ रहे, तो यहीं से प्रोसेस करना, पहले डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना, जेड इज इक्वल टू 1 ले लेना, वो चारों ऑप्शन में रहेगा तब यहाँ पे, यहाँ से तो डायरेक्टली इक्वेशन निकल जाएंगे लैम्डा पुट करेंगे तो ये वाले मेथड ज्यादा इजी होता है। फर्स्ट में क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे। समझ में आया सबको? यस सर। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस, लाइंस मींस स्ट्रेट लाइन, सपोज इसमें क्या करना है, या तो वेक्टर इक्वेशन में रिड्यूस करना है तो ज्यादा इजी रह जाएगा। सपोज आर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ए है, ए वन है, प्लस लैम्डा इनटू ये बी वेक्टर है, ये पैरेलल वेक्टर, दो लाइंस है, ये समझना है। आर इज इक्वल टू ए टू, ये पोजीशन वेक्टर, ये बी वन, प्लस लैम्डा, ये बी टू। ठीक है, तो एंगल जो फाइंड करेंगे वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल का बात कर रहे हैं, बताओ क्या होगा, टू लाइंस है तो डॉट प्रोडक्ट ले लें, बी वन डॉट बी टू डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी टू का होल मॉडुलस, ये सुनो क्या करना है, अगर कार्टेशियन फॉर्म में है तो उसको वेक्टर्स बेसिकली नीड पड़ता है पैरेलल वेक्टर्स का, यही ना डायरेक्शन रेशियो डायरेक्टली लिखना है, यस और नो बोलो। यस सर, डायरेक्शन रेशियो आएंगे डायरेक्टली, इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लो, एक इसमें फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस R वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, R वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 2k कैप प्लस म्यू 3i cap plus 2j cap plus 6k cap, find करो second x plus 4 divided by 3 is equal to 1 minus 5 divided by minus 5 is equal to z plus 3 divided by 4 x plus 1 by 1 y minus 4 by 1 z minus 5 by 2 find करो, तो फर्स्ट वाले में क्या आएगा, सेकंड वाले में क्या आएगा, सर पहला में एंगल cos inverse 19/21 cos inverse 19/21 good, इसमें cos inverse 19/21 चलो ठीक है, वो तो डायरेक्टली ले लेना है, ये वेक्टर और ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, सेकंड में बताओ बन जाएगा सबसे, यस सर बन जाएगा, सेकंड क्वेश्चन दिखाई,
कितना आएगा सर? थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/12, नहीं 2/√12। यहाँ से जो डायरेक्शन रेशियो आएंगे वो क्या आएगा, 3, 5, 4, ये हो गया dr2 dr1 1 1 2। इसको चेंज करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा y माइनस वन डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है। तो अब cos थीटा बराबर डॉट प्रोडक्ट, टू वेक्टर्स मिले हैं तो 3 × 1 + 5 × 1 + 4 × 2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट में। दिस इज इक्वल टू क्या जाएगा, इक्विट एंगल तो मॉडुलस में ले लो 3 + 5 + 4 × 2 = 8। तो 5 + 3 = 8 16 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16 + 9 का 3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 25 + 25 = 50 मीन्स 5√2 इंटू यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 + 5 + 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा 6। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा 16 बाई, इसमें से 2 बाहर आ जाएंगे √3 हो जाएगा तो 5 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 × 2 √3 यस और नो? तो cos थीटा इज इक्वल टू 8/5√3 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 8/5√3 Yes or no? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. देखो दो लाइंस अगर दिया हुआ है कि R1 दिया हुआ है अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप, ये ठीक है, प्लस लैम्डा इनटू A1 आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, ये दोनों क्या है लाइंस, दोनों लाइंस है। दिस इज इक्वल टू यहाँ पे अल्फा वन बीटा वन गामा वन, अल्फा टू आई कैप प्लस बीटा टू जे कैप प्लस गामा टू के कैप प्लस म्यू ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप, अगर दोनों क्या है एक में परपेंडिकुलर लाइंस, तो कंडीशन बताओ क्या हो जाएगा, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू 0, यस और नो? डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या हो जाएगा 0, यस सर, पैरेलल लाइंस। तो A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2 is equal to lambda आ जाएगा। Yes or no? दोनों parallel vector हैं। तो क्या करेंगे? A plus lambda B होता है ना जी? A is equal to lambda B अगर parallel vector है, collinear vector है या parallel vector है तो? Yes or no? Yes sir. तो ये ध्यान रखना। चलो next one। यहाँ तक angle between two lines आ जाएंगे? ओके, देन अगर इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, तो जब भी पॉइंट फाइंड करना रहेगा तो कार्टेशियन फॉर्म ही कंसीडर करना ऑलवेज, क्या है इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पे लिख लो। तो जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट पूछे तो हमेशा क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओनली कंसीडर कार्टेशियन फॉर्म जब भी रहेगा। तो अब दो इक्वेशन x माइनस अल्फा वन वाई ए वन
वाई माइनस बीटा वन वाई बी वन जेड माइनस गामा वन वाई सी वन एक्स माइनस अल्फा टू वाई ए टू वाई माइनस बीटा टू वाई बी टू जेड माइनस गामा टू वाई सी टू। इसको क्या करना है, लैम्डा ले लेना है, इसको क्या करना है म्यू ले लेना है। वो तो इंटरसेक्टिंग लाइन है कि नहीं, जो वो तो पता चल जाएगा जी। कैसे पता करोगे, यहां से अगर ए वन वाई ए टू इज इक्वल टू बी वन वाई बी टू इज इक्वल टू सी वन वाई सी टू अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस हो जाएंगे, तो वहां फाइंड ही नहीं करना है, नॉन इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। यस और नो? यस। ए वन वाई ए टू इज इक्वल टू बी वन वाई बी टू इज इक्वल टू सी वन वाई सी टू, अगर ये कंडीशन देख करके यहां से पता चल रहा है तो क्या हो जाएगा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। पैरेलल लाइन, ठीक है, तो वहां पे फाइंड ही नहीं करना है। अब देखो, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो लैम्डा और म्यू एज्यूम करना, और दोनों के लिए लाइन जैसे एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन ही रखो एक्स टू रखो, बहुत इसमें क्या हो जाता है लिखने, अल्फाबीटा लिखना टफ हो जाता है। चलो एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स टू वाई टू जेड टू, ठीक है। अब क्या करोगे, एक्स माइनस एक्स वन वाई ए वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन वाई बी वन इज इक्वल टू एट माइनस जेड वन वाई सी वन इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से देखो एक्स इज इक्वल टू क्या पॉइंट आएगा बताओ, क्या करना है कंपेयर, इसको इससे कंपेयर करना है, तो बताओ क्या आएगा, x1 प्लस a1 लैम्डा। यस सर। y इज इक्वल टू क्या आएगा, y1 प्लस b1 लैम्डा, z इज इक्वल टू z1 प्लस c1 लैम्डा। यस और नो? अरे बताओ यार। यस सर। Similarly, x minus x2 divided by a2 is equal to y minus y2 divided by b2 is equal to z minus z2 divided by c2 is equal to mu. तो यहाँ से क्या करना है, जो x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, x2 plus a2 mu, ठीक है। y का जो वैल्यू आएगा y2 plus b2 mu, c का जो वैल्यू आएगा, सॉरी z का जो वैल्यू आएगा वो क्या होना चाहिए, z2 plus c2 mu। यस और नो? अब क्या करेंगे, दोनों इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है दोनों के लिए क्या होना चाहिए, सेम पॉइंट होना चाहिए, तो x वाले दोनों को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे म्यू, और क्या करना है, एक वैल्यू फाइंड करना है, लैम्डा फाइंड करो और म्यू फाइंड लैम्डा। तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर a तो ये a डैश, तो a एंड a डैश क्या हो जाएगा, ये कोरस्पोंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो कंप्लीट क्या करो, फर्स्ट वाले को एक इक्वेशन बोल दो, सेकंड वाले को एक इक्वेशन बोल दो, ये कंप्लीट क्या हो गया, ये A एंड B पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। यस और नो? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो सेम पॉइंट होना चाहिए, तो x कोऑर्डिनेट्स के इक्वल होंगे दोनों में, तो क्या हो जाएगा, x1 plus a1 lambda is equal to x2 plus mu a2 mu। यस और नो? यस सर। y1 plus v1 lambda is equal to y2 plus क्या हो जाएगा b2 mu। अब यहां से find करना है, find lambda और mu, अब जो आ जाएगा उसके corresponding ही इसमें put कर देना है, lambda find करेंगे तो putting in equation a, mu find करेंगे
तो बी में पुट करेंगे, यस और नो? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर फाइंड करना है तो बताइए सर। यस सर। हाँ चलो ठीक है, बात बताना है क्वेश्चन, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू z प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 एंड x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू z माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। फाइंड करो तो जल्दी से, प्रोसेस पता है? प्रोसेस पता है? यस सर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन है क्योंकि एंगल तो अभी जस्ट फाइंड आउट किए हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन है, बताइए। हेलो, कर पाइएगा? यस सर। एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 4, वाई इक्वल टू 1 और जेड इक्वल टू माइनस 3। अच्छा, माइनस 4 यहाँ पुट करेंगे तो 0, यहाँ पे 1 तो 0 0, इसमें माइनस 4 पुट करेंगे तो माइनस 4 तो माइनस 3, माइनस 1 पुट, अच्छा 1 पुट करेंगे माइनस 3, माइनस 3 पुट करेंगे तो माइनस 3। हाँ सही है, ठीक है। यस सर। आएगा क्या करना है? बहुत सिंपल है, फर्स्ट वाले इक्वेशन से लेंगे तो x प्लस x डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ ध्यान देना। x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 3 लैम्डा, y इज इक्वल टू 1 प्लस 5 लैम्डा, z इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4 लैम्डा। फिर इस वाले इक्वेशन को यूज करके लिख रहे हैं, x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस म्यू, माइनस 1 प्लस म्यू, y इज इक्वल टू 4 प्लस म्यू, z इज इक्वल टू 5 प्लस 2, यही ना जी? अब दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है तो माइनस 4 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस म्यू। एक इक्वेशन यहां से आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन लिखने के लिए 1 प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 4 प्लस म्यू, किसी दो कोऑर्डिनेट से ही चलना है, ये दो इक्वेशन आ जाएंगे, एक और ये क्या आ जाएगा 2। अब सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से जो आएगा वो म्यू माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 3, यहाँ से जो इक्वेशन आएगा वो म्यू
माइनस फाइव लैम्डा इज इक्वल टू माइनस थ्री, यस और नो? तो म्यू माइनस फाइव लैम्डा इज इक्वल टू माइनस थ्री, दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये टू लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, तो लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, जीरो पुट कर लीजिए आ जाएगा सिंपली माइनस फोर वन, यहां पे जीरो पुट कर लो और म्यू का वैल्यू फाइंड करते हो, तो म्यू का वैल्यू फाइंड करके वहां पे पुट करोगे तो वो वैल्यू आ जाएगा, यस और नो? यस सर। हेलो, बन जाएगा? चलो यस सर बन जाएगा। फाइंडिंग फूट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज पॉइंट विच इमेज पॉइंट, ठीक है, ये क्या हो गया, कौन सा पॉइंट, सेवन बताया हूं ना, सिक्स, अब देखो ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, ठीक है, इसको बोल सकते हो एक्स माइनस एक्स वन पॉइंट है, तो कौन सा यूज करना है, इमेज पॉइंट, कार्टेशियन फॉर्म फिक्स हो गया, x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी, राइट, अब एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा, ये लाइन का इक्वेशन है, तो इमेज पॉइंट एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा, अल्फा, इसको भी एक्स वन वाई वन ले लो, एक्स वन वाई वन जेड वन, ये पॉइंट हो गया ए, अब इसका जो इमेज पॉइंट है वो ए डैश लिख लो, एक्स वन डैश एक्स टू डैश, एक्स वन डैश वाई वन डैश, और ये क्या हो जाएगा, जेड वन डैश, इमेज पॉइंट, और ये क्या हो जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो देखो क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को, अब देखो इस वाले पॉइंट को क्या कर सकते हैं, जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसको दिस इज इक्वल टू क्या करो, लैम्डा, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा, एज्यूम करते हैं पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन, यहां समझ लो एक्स माइनस एक्स वन वाई, एक्स माइनस एक्स वन तो ले चुके हैं, सॉरी सॉरी, अल्फा बीटा गामा ही लेना पड़ेगा यहाँ पे, अल्फा बीटा गामा, अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश, इमेज पॉइंट को बोल दो अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश, ठीक है, अब देखो एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी, टेकिंग ए पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन, तो उसके लिए क्या करते हैं, इज इक्वल टू लैम्डा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x1 वन प्लस ए लैम्डा, वाई बराबर बी प्लस वाई वन प्लस बी लैम्डा, जेड इज इक्वल टू जेड वन प्लस सी लैम्डा, मीन्स रेशियो को लैम्डा एज्यूम कर लेना है और जनरल पॉइंट्स ले लेना, ये क्या हो गया, जनरल पॉइंट्स, तो अब ये जो जनरल, सपोज इस पॉइंट को क्या एज्यूम करेंगे, यहाँ पे बताओ, एक्स वन प्लस ए लैम्डा, वाई वन प्लस बी लैम्डा, जेड वन प्लस सी लैम्डा, यस और नो? यस सर। बोलो, अब देखो क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है, वही होगा ना जी, इमेज फाइंड कर रहे हैं, दोनों परपेंडिकुलर होगा, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ एपी अगर फाइंड करेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ एपी, देखो ये लाइन था,
कि अल्फा बीटा ये पॉइंट को क्या लिए थे, x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी है। तो ये पॉइंट लैम्डा के फॉर्म में क्या बोले थे, एक्स वन प्लस ए लैम्डा, वाई वन प्लस बी लैम्डा, जेड वन प्लस सी लैम्डा, ये सब नो। तो डायरेक्शन रेशियो ये पी का बताओ, ये ए था पॉइंट और ये पी पॉइंट था, तो डायरेक्शन रेशियो जो आएगा ऑफ ए पी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो, एक्स वन प्लस ए लैम्डा माइनस अल्फा, वाई वन प्लस बी लैम्डा माइनस बीटा, जेड वन प्लस सी लैम्डा और माइनस गामा, ये सुनो। अब क्या है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो अभी बताए थे कि दो वेक्टर्स बनेंगे इससे, एक एपी वेक्टर बनेगा, एक डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, तो टू वेक्टर्स हैं, टू वेक्टर्स कौन कौन, एक्स वन प्लस ए लैम्डा माइनस अल्फा या आई कैप प्लस वाई वन प्लस बी लैम्डा माइनस बीटा जे कैप प्लस जेड वन प्लस सी लैम्डा माइनस गामा के कैप, क्या हो जाएगा जी, के कैप। आर टू जो वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, ए आई प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, दोनों क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा, ये सुनो। तो डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देंगे, तो डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो किया जाएगा तो वहां से लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, एक्स वन प्लस ए लैम्डा माइनस अल्फा इंटू ए प्लस वाई वन प्लस बी लैम्डा माइनस बीटा इंटू बी प्लस जेड वन प्लस सी लैम्डा और माइनस गामा इंटू क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू जीरो, फाइंड लैम्डा। एंड इसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट्स क्या हो जाएगा बोलो, एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस ए लैम्डा, वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस बी लैम्डा, जेड इज इक्वल टू जेड वन प्लस सी लैम्डा, होगा कि नहीं। एंड ये क्या होता है, यहाँ पे अगर देखोगे इमेज पॉइंट तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये मिड पॉइंट हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ ए ए डैश, यस और नो। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके क्या करेंगे, ए डैश को फाइंड कर लेंगे, समझ में आया जी, समझ में आया सर, यस सर, बोलो। तो वेक्टर आर वन कैसे लिखे थे, क्या डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो में, डायरेक्शन रेशियो में आर वन, बहुत मार खाएगी, एक ए पॉइंट हो गया और एक पी पॉइंट हो गया, अब दोनों पॉइंट को सबट्रैक्ट करेंगे तो डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे, ठीक है। टू पॉइंट से डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड किया जाता है, पता नहीं, सबट्रैक्ट करके, हाँ है ना, यस, अभी भी प्रॉब्लम है, नो सर, चलो फाइंड इमेज एंड इमेज पॉइंट एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज पॉइंट एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए 103 टू द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट्स
471 and 3, 5, 3. बताओ बनेगा, लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ? x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1, y माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, z माइनस 3 डिवाइडेड बाई माइनस 2, 1 माइनस 3 माइनस 2. इवन 3, 5 और 3 के जगह पे क्या ले सकते थे? 4, 7, 1 भी ले सकते थे, ठीक है, जिससे कैलकुलेशन इजी हो. और पॉइंट दिया हुआ है तो इट मींस लाइन का इक्वेशन पता चल गया. ये लाइन का इक्वेशन हो गया, पॉइंट दिया हुआ है 1, 0, 3. अब क्या करना है, ये पॉइंट फोटो परपेंडिकुलर और इमेज पॉइंट निकालना है. बन जाएंगे? चलो ये बना लेना, जो आंसर आएगा वो लिख देता हूँ, मैच कर लेना. अगर कुछ कुछ अलग आया तो देख लेना. ये जो पॉइंट आएगा वो 5/3, 7/3, 17/3. तो जो ये पॉइंट फाइंड करोगे आ जाएगा जी. तो ये पॉइंट फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, 5/3 इज इक्वल टू, इसको अल्फा बीटा और गामा बोल दो. तो अल्फा प्लस 1/2 हो जाएगा, 7/3 इज इक्वल टू 0 प्लस बीटा 2 हो जाएगा, एंड मिड पॉइंट है ना, 17/3 इज इक्वल टू 3 प्लस गामा बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. यस और नो? यस सर. ठीक है, तो फाइंड कर लेना, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कैसे फाइंड किया जाता है वो इजी हो जाएगा. डिस्टेंस फाइंड करना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जहां डिस्टेंस का बोलेगा तो वहां पे वेक्टर फॉर्म यूज करना है. जहां पे पॉइंट के बारे में डिस्कस करेगा इट मींस कार्टेशियन फॉर्म को यूज करना है. तो बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो इस तरह से भी फाइंड कर सकते हो कि पुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड किए हैं, देन टू पॉइंट डिस्टेंस वाले फॉर्मूला यूज करेंगे. अदरवाइज डायरेक्टली यूज कर सकते हो वेक्टर फॉर्म, वहां से इजी हो जाएगा. तो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए पॉइंट टू स्ट्रेट लाइन कैसे फाइंड करते हैं वो बताऊंगा. फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है नॉन कोप्लेनर के लिए. टू लाइन्स होगा जो डिफरेंट प्लेन्स में होंगे, उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है वेक्टर फॉर्म से वो बताएंगे. उसके बाद प्लेन्स ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो ये कंप्लीट करके आना. चलो बाय बाय. किसी को कुछ पूछना है? नहीं. शिवेंद्र? नो सर. नो सर. अनुज? नो सर. आर्यन? स्नेहा? नो सर. वैष्णवी? नो सर. अच्छा, तुमको तो कभी पूछना नहीं रहता है, आती है कब पता नहीं चलता है. चलो ठीक है, स्टार्टिंग से है सर. थैंक यू सर. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट.